औद्योगिक विकास एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री सतीश महान गुरुवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने ठाकुर बा के बिहारी के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कहा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पहली बार ही किसान को ठीक प्रकार से पानी मिल रहा है, जनता को बिजली समय से मिल रही है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, सभी सड़कें अच्छे हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, अपराधी जेल में है, लॉ एंड ऑर्डर पहली बार ठीक चल रहा है। आगामी चुनावों के सवाल पर कहा कि चुनाव को लेकर हम तैयार हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो किया है वह सब अमाननीय है। बहुत सारे देश हैं जो सुविधाओं से लैस हैं, अगर उनसे कोई तुलना करता है तो हमें पता चलता है कि हमारा मैनेजमेंट कितना अच्छा है। पहली बार इस प्रकार का वातावरण बनकर खुश है। सब कुछ ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पहली बार सब कुछ ठीक चल रहा है। पहली बार किसान को पानी मिल रहा है, पहली बार जनता को बिजली मिल रही है, पहली बार जनता की सड़कें ठीक है, पहली बार किसान सम्मान निधि उनके सीधे खाते में जा रहे हैं, पहली बार महिलाओं के कन्या समृद्धि योजना के अंदर पहली बार उनके खाते में जा रहे हैं, महिलाओं का सम्मान, महिलाएं सुरक्षित है, अपराधी जेल में है, पहली बार लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पहली बार भ्रष्टाचार खत्म है, पहली बार गुंडाराज समाप्त। नहीं आप बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को सफाई देनी पड़ रही है, किसी को कोई सफाई? जब आप मेरे से पूछेंगे कि आपका कोई विवाद है तो मैं कहूँगा नहीं है, तो इसका मतलब सफाई नहीं है। किसी भी अगर कोई पूछेगा उसका उत्तर उतरेंगे, तो अगर आप कोई भी प्रश्न मुझसे करेंगे आपका इनसे विवाद है, मैं कहूँगा नहीं है, इसका मतलब सफाई नहीं है। अभी आप मतलब 6 महीने के बाद चुनाव के लिए, हम चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश की जनता इस बात से प्रसन्न है कि जिस प्रकार से कोविड मैनेजमेंट हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, यदि बहुत सारे देशों से जो समृद्धशाली देश है, सब सुख संसाधन संपन्न देश है, उनसे यदि कोई कंपैरिजन करता है तो वास्तविकता पता चलती है कि कितनी अच्छी तरीके से उसका मैनेजमेंट किया। कोई भी व्यक्ति इस क्राइसिस में कोई भूखा नहीं सोया, मुफ्त अनाज हर व्यक्ति को दिया गया, गरीब आदमी को दिया गया, व्यापार रुकने नहीं दिया गया, इंडस्ट्री चलती रही, तो किसी भी प्रकार में पहली बार उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के एक वातावरण बनाया, जनता प्रसन्न है और जनता को सरकार कार्यकर्ताओं की याद आ रही है, तो इसमें कार्यकर्ताओं की हमें याद आती है, मैं 7 बार से विधायक हूँ बिना कार्यकर्ता की याद, आपके विधायकों को थाने वगैरह, मैं भी विधायक हूँ लेकिन आप चुनाव के लिए बढ़ रहे हैं, मैं विधायक हूँ और मैं 7 बार से विधायक हूँ, कार्यकर्ता की याद करने पे विधायक बनता है, कार्यकर्ता की याद नहीं करेंगे कोई विधायक नहीं, कार्यकर्ता ही हमारी सबसे मजबूत। मंत्री जी, मथुरा के प्रभारी है, यहाँ की दो बहुत मूलभूत समस्याएं, तो बंदरों की और एक जो है यमुना शुद्धिकरण की। यमुना शुद्धिकरण के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है, मथुरा वृंदावन में जितना काम हमारी सरकार में हुआ है शायद इसकी कल्पना भी यहाँ के लोग नहीं करते थे। मथुरा बिहारी जी का स्थान है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ पर सुंदर होना ही चाहिए था, ये प्रभु की कृपा से पाकर जिस समय हम उसके द्वारा दी गई जिम्मेवारी के ऊपर बैठते हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस प्रभु की सेवा के लिए हम यहाँ पर कोई काम करते हैं, तो ये समझ के नहीं करते कि हमने किसी के ऊपर कोई काम अपनी सरकार का काम किया, हम ये समझ के करते हैं कि भगवान ने हमें अवसर दिया और उस अवसर को हम पूर्ति के लिए भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अब प्रियंका जी आज महिलाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगी, खाली तो नहीं बैठेंगे।